Hello everyone, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Pride Ventures Academy. So this is our 9th lecture और चलिए देख लेते हैं कि आज हम अपने इस लेक्चर पर किन किन टॉपिक्स पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम जिस टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. अभी तक के हमने अपने लेक्चर पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था. आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे फिजियोग्राफिक फैक्टर्स की और उसमें हम बात करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ लैंड सरफेस, ऑल्टीट्यूड, स्लोप्स, एस्पेक्ट एंड एक्सपोजर. फिर हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स के बारे में और उसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे इन बायोटिक फैक्टर्स. फिर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन देयर एनवायरमेंट. डियर व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को हर लेक्चर से रिलेटेड जो है पीडीएफ नोट्स जो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दे रही हूँ. ठीक, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो जिनको भी दिक्कत आ रही है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना जो नंबर है वो छोड़ दें, कि फिर हम क्या करेंगे कि आपको डायरेक्टली एड ऑन कर देंगे हमारे चैनल पर. ठीक, और फिर रही बात कि आप लोगों को पीडीएफ का पासवर्ड नहीं मिल रहा था और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो पीडीएफ जो है वो पेड है क्या. जी नहीं, मैं आपको जो भी लेक्चर के नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और यदि आप मेरा लेक्चर पूरा देखते तो आपको पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. इट प्रूव्स दैट कि मैं यहाँ पर जितनी मेहनत कर रही हूँ और इतनी मेहनत करके जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो वो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ लेक्चर्स को जो है वो पूरा कम्प्लीटली नहीं वॉच कर रहे हैं. तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तो अपना नोट्स बना रही हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाता है, मैं यहाँ पर अच्छे से लेक्चर भी डिलीवर कर देती हूँ. अगर आप ईमानदारी से लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो इट्स योर फॉल्ट. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये जो है वो पर्टिकुलरली हम लोगों ने क्लास 9 to 12 वाले स्टूडेंट्स लोगों के लिए बनाया था. और चूंकि अब हमारा जो नया बैच है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो नया बैच जो है ऑनलाइन बैच वो लॉन्च होने वाला है. और ये जो लेक्चर्स यहाँ पर अपलोडेड हैं ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर रहेंगे और फिर इन लेक्चर्स को हम प्राइवेट कर देंगे. वो इसलिए क्योंकि स्कूल वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है लेक्चर्स की वजह से. लेक्चर्स फाइंड आउट करने में दे गेट कन्फ्यूज. ठीक, तो जब तक है, जैसे ही ये जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको जो है वो हम प्राइवेट कर देंगे. तो इट्स अप टू यू कि आपको अगर फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आप कितनी जल्दी आप इसका फायदा उठा सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर की. तो फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या होता है? वो फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल क्लाइमेट को. ठीक, लोकल क्लाइमेट को या वेजिटेशन को क्या करते हैं, इट इन्फ्लुएंस वेजिटेशन इनडायरेक्टली बाय इन्फ्लुएंसिंग लोकल क्लाइमेट. मतलब लोकल क्लाइमेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करके वो सीधे सीधे किस पे अटैक करते हैं, वेजिटेशन पे. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम अरेंजमेंट ऑफ लैंड सरफेस की बात करें तो आपको पता होगा कि हिली एरियाज में जो फॉरेस्ट हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं. लेकिन वही अगर हम प्लेन एरियाज में देखें तो वहां पर जो फॉरेस्ट है वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं. तो यहाँ पर जैसे फिजिकली क्या क्या इफेक्ट होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो कौन से इन्वॉल्व हैं जो कि फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम देखेंगे. ठीक, तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ लैंड सरफेस. ठीक है, कि लैंड सरफेस की अरेंजमेंट कैसी है, हिल्स हो गए या वैलीज हो गए. ठीक, फिर ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर लैटिट्यूड, फिर स्लोप्स, एक्सपेक्ट एंड एक्सपोजर और सरफेस कंडीशन. तो इन सारे टॉपिक्स पर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ के और बात करते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ लैंड सरफेस की. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिल्स और वैलीज जो है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ हिल्स एंड वैलीज अफेक्ट लोकल क्लाइमेट. जो हिल्स और वैलीज होते हैं,
ठीक, वो क्या करते हैं, लोकल क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कैसे? उनके रेनफॉल पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है, उनके विंड डायरेक्शन में जो है चेंजेस आ जाते हैं, उनका टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, सोलर रेडिएशन वेरी कर रहा होता है। ठीक, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, विंड डायरेक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन। अब विंड डायरेक्शन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में होगी तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। सीड डिस्पर्सल मतलब सीड्स जो है वो इधर से उधर विंड के थ्रू उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, लैंड सरफेस जो है वो अफेक्ट करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो है हमारा विंडवर्ड साइड। ठीक, तो अगर मैं विंडवर्ड साइड की बात करूं तो विंडवर्ड साइड जो है वो मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेन करता है। विंडवर्ड साइड जो है वो क्या करता है, मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जैसे देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सी लेवल है और ये यहाँ पर क्या है हमारा माउंटेन है, हील है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक तो हो गया हमारा जो माउंटेन साइड की तरफ, यहाँ पर चूंकि सी लेवल है तो इसको हमने क्या कह दिया, विंडवर्ड साइड, और जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है सी के उसको हमने क्या बोल दिया, लीवर्ड साइड। ठीक, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, ज्योग्राफिकल टर्म्स है, आप इन सारे टर्म्स को ज्योग्राफी में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली देखने को क्या मिलता है कि जो विंडवर्ड साइड होता है वहां पर मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, तो इस वजह से इस साइड में जो वेजिटेशन ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी होगी। ठीक, वेजिटेशन की जो ग्रोथ रेट है वो काफी हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, और जब रेनफॉल भी होगा तो वो इस साइड में ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू लीवर्ड साइड। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, हम अरेंजमेंट ऑफ लैंड सरफेस देखते हैं और वो किस तरीके से फैक्टर्स जो है उनको अफेक्ट करते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक, अब लीवेंट साइट में क्या होता है, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं हो पाता है तो वहां पर वेजिटेशन ग्रोथ भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है जितनी विंडवर्ड साइट पे होती है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है, हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम मीन सी लेवल। ठीक, मतलब समुद्र तल से एक पर्टिकुलर जगह की ऊंचाई, उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं। विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड यूजुअली रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। अब ये कैसे, देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू जो है उसको प्लॉट करने की कोशिश की है ताकि आपको जो ये ग्राफ है वो आपके माइंड में बैठ जाए और इससे जो है आपको इजीली आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो या अगर आपके दिमाग में ये ग्राफ बैठा हुआ है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस जो है वो आपके ऑल्टीट्यूड को बता रहा है। ठीक, एक ही ग्राफ में मैंने सब कुछ प्लॉट कर दिया। अगर हम यहाँ पर सोलर रेडिएशन को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो सोलर रेडिएशन अगर हम प्लॉट करते हैं तो क्या हो रहा है कि ऑल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ सोलर रेडिएशन की भी जो रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, लेकिन जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ऑल्टीट्यूड की कंपैरिजन, अगर हम ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक, अगर वही हम विंड वेलोसिटी की बात करें तो विंड वेलोसिटी भी ऑल्टीट्यूड के साथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की भी बात करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी भी क्या होती है, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो सॉइल फर्टिलिटी भी जो है तो वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो इससे तो आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं डियर व्यूवर्स, इससे आपको काफी अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड जो है वो किसको सपोर्ट करता है। अगर ऑल्टीट्यूड किसको सपोर्ट करता है का मतलब कि ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, सोलर रेडिएशन और विंड की वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे सोलर रेडिएशन और विंड वेलोसिटी की वैल्यू भी जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हम ऑल्टीट्यूड की अगेंस्ट बात करें तो ऑल्टीट्यूड जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कम हो रही है, एज वेल एज सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन वेजिटेशन। ऑल्टीट्यूड के बढ़ने या घटने से और उनके साथ जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उससे वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये क्या करते हैं, प्लांट की हाइट को रिड्यूस करते हैं और उनकी डायमीटर को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगर ये हम किस बारे में बात करें, अगर हम विंड वेलोसिटी की बात करें तो
तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो विंड की वेलोसिटी भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, राइट। फिर क्या होता है, तो अगर विंड की वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो पेड़ कैसे हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में झुक जाएंगे, और किस तरीके का ट्री फॉर्म करेंगे, फ्लैग ट्री। हमने अपने 7th लेक्चर में फ्लैग ट्री के बारे में डिस्कस किया हुआ है। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरा एक भी लेक्चर स्किप करते हैं तो आपको जो भी मैं अपने लेक्चर में डील करती चली जाऊंगी, तो वो आपको उसमें से हो सकता है कि कुछ कुछ बातें समझ में ना आए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज एक भी लेक्चर स्किप ना करें, सारे लेक्चर्स को ईमानदारी से देखें, अपने ओन के नोट्स प्रिपेयर करें, और फिर उन नोट्स से आप चाहें तो प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सारे फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करें। और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे जो चैनल की जो सब्सक्राइबर की ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी कम हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड आई डू रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज प्लीज सपोर्ट। चलिए देखिए फिर क्या हो रहा है कि वो क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर जो है उसको रिड्यूस हो जाता है, उनकी थिकनेस और साइज ऑफ लीव्स जो है वो भी घटने लग जाती है। क्यों, जिससे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर जो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, प्रेशर भी डाउन हो रहा है, ठीक है, तो साइज ऑफ लीव्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर आप हिली एरियाज में जाते हैं तो जितने भी कॉनिफर्स ट्रीज हो गए, जैसे हमारा यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है, और ओक ट्री हो गए, तो आप उनकी जो लीव्स है आप देखेंगे कि वो ब्रॉड नहीं होते, वो काफी ऐसे थिन लीव्स होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इंड्यूस्ड रेट ग्रोथ, रूट ग्रोथ, ठीक है, रूट ग्रोथ जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। फिर हाई ट्रांसपिरेशन ड्यू टू हाई सोलर रेडिएशन इंटेंसिटीज रिजल्ट्स में प्लांट्स कम्पीट आउट फ्रॉम दिस लोकेशन। अब क्या होता है कि चूंकि अब वो हिली रीजन है, तो हिली रीजन का मतलब क्या हुआ कि ऑल्टीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, सन की रेज जो है वो बहुत ही हायर अमाउंट में पहुंचेगी। अब जब सन की रेज जो है वो लार्ज अमाउंट में पहुंच रही है तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो भी तो बढ़ जाएगा, है ना, ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। तो इससे भी क्या होगा कि प्लांट्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑल्टीट्यूड जो है वो वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं स्लोप्स की। तो अगर हम स्लोप्स की बात करें तो स्लोप्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द एंगल बिटवीन द लैंड सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन और लैंड सरफेस के बीच जो भी एंगल डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो मैंने अपने नोट्स में जो यहाँ पर डायग्राम बनाया रखा है, ये कोई लैंड सरफेस है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये आपका लैंड सरफेस है, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ये कुछ इस तरीके से बना रहा है तो इसको हमने क्या कह दिया, कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक। फिर यहाँ से ये देखिए ये ऐसे ढलान जैसा बना रहा है तो इसको हमने क्या कह दिया, क्लिफ और फ्री सरफेस। फिर यहाँ से ये जो थोड़ा ये थोड़ा गलत बन गया है, ये ऐसा स्ट्रेट जा रहा है यहाँ से तो इसको हमने क्या कह दिया, स्ट्रेट स्लोप कह दिया। फिर यहाँ पर देखिए ये कॉन्वेक्स की तरह, ये ऐसे अंदर की तरह है घुमा हुआ तो इसको हमने क्या कह दिया, कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम क्या डिसाइड करते हैं, स्लोप डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म, है ना, तो स्ट्रेट स्लोप में क्या होगा, यूनिफॉर्म एंगल का फॉर्मेशन होगा। वही कॉनकेव स्लोप हमेशा आपको बेस की तरफ देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए ये जो है लैंडफॉर्म है ये कुछ है तो ये आपको बेस की तरफ जो है कॉनकेव स्लोप जो है वो देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स स्लोप हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हिल साइड पे। जैसे देखिए ये यहाँ पर से ये हम ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कॉन्वेक्स स्लोप हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हिल में, ठीक। तो यहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छे MCQs फॉर्म हो सकते हैं, बस जरूरत है आपको सारे फैक्ट्स को याद रखने की। अगर आपको सारे फैक्ट्स याद हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का MCQ पूछे वो आप डेफिनेटली छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं हम
अच्छा यहाँ पर देखिए क्या होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन ऑन चेंजिंग सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल मटेरियल मूवमेंट, दैट इज लैंडस्लाइड, सॉलिफ्लक्शन। डेफिनेटली क्या हो रहा है कि वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन और लैंड सरफेस के बीच में, तो वो किस वजह से फॉर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे देखिए अगर सॉइल इरोशन हुआ तो डेफिनेटली उनके एंगल में कुछ तो चेंजेस आएंगे, उनकी ऑयल सॉइल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, सॉइल मटेरियल जो है वो मूवमेंट करने लगेगा। तो यहाँ पर हमने जैसे सॉइल इरोशन या चेंजिंग सॉइल प्रॉपर्टीज की हमने जो बात की हुई है या सॉइल मटेरियल मूवमेंट की हमने बात की हुई है, तो उसको हमने क्या बोला, या तो लैंड स्लाइड हो सकता है या तो सॉलिफ्लक्शन हो सकता है। अब सॉलिफ्लक्शन ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है कि जब कहीं सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, जब किसी सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो सॉइल जो है पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, गीला गीला जो पेस्ट जैसा होता है ना, टूथपेस्ट जैसा, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक। और फिर वो जो सॉइल है वो फ्लक्चुएट करने लगता है, मतलब मूवमेंट करने लगता है, ठीक। तो उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्लोप का फॉर्मेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो अंबिकापुर में जो दलदली जमीन है, आई गेस यही नाम है, जहाँ पर सब लोग उछल के, जो मतलब सब लोग उछल के फोटोज क्लिक करवाते, वीडियोस बनवाते हैं। वैसे तो मैं कभी गई नहीं हूँ, बट आई हैव हर्ड वेरी मच अबाउट दैट प्लेस। तो वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिफ्लक्शन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं एस्पेक्ट एंड एक्सपोजर की। तो एस्पेक्ट और एक्सपोजर की अगर हम बात करें, तो एस्पेक्ट बेसिकली क्या हो गया, डायरेक्शन टूवर्ड्स विच अ स्लोप फेसेस, ये टूवर्ड्स है, फॉरवर्ड्स नहीं है, ठीक है, इट इज टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, डायरेक्शन टूवर्ड्स विच अ स्लोप फेसेस और डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, एस्पेक्ट हो गया, और एक्सपोजर क्या हो गया, रिलेशनशिप ऑफ अ साइट टू वेदर कंडीशन स्पेशली विंड। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सन है यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जो है इसका रेज जो है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू साउथ की तरफ, ठीक। इसको ऐसे समझिए कि सपोज ये हिमालय रीजियन है, ठीक, तो ये उसका नॉर्थ फेस हो गया और ये इसका साउथ फेस हो गया, ठीक। तो क्या हुआ कि जनरली जो विंड है या जो रेनफॉल है वो इस साइड से आती है, और इस वाले पोर्शन पे जो है ज्यादा फोकस हो पाता है एज कंपैरिजन टू अदर साइड ऑफ द माउंटेन, ठीक। तो ये वाला जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर जब आ रहा है तो यहाँ पर जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वेजिटेशन की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, एस्पेक्ट एंड एक्सपोजर, ठीक। रिलेशनशिप ऑफ अ साइट टू वेदर कंडीशन स्पेशली विंड। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्सपोजर हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, एस्पेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। तो अभी तक हमने फिजियोग्राफिक फैक्टर्स को ब्रीफली देख लिया, अब हम बात करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होगा कि वो बायोटिक एजेंसीज जो कि डायरेक्टली, यानी कि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन को, ठीक, या तो वो इंडिविजुअल क्रॉप को क्या करेंगे, अटैक करेंगे, या पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा कि क्लाइमेटिक, एडाफिक, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो पूरी की पूरी होल क्रॉप को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। लेकिन जब हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो किसी इंडिविजुअली अटैक करता है, इंडिविजुअली अटैक क्या करता है का मतलब क्या हुआ, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉटन की खेती की जाती है, तो कॉटन की खेती जब करते हैं तो वहां पर एक स्पेशल तरीके का जो इंसेक्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे अटैक करता है, कॉटन पे, वो किसी अदर क्रॉप में अटैक नहीं करेगा। तो अगर उसने किसी एक पौधे पर अटैक किया तो देखते ही देखते वो पूरी फसल बर्बाद कर जाएगा, ठीक। तो वो, लेकिन वो जो इंसेक्ट है वो अगर किसी और क्रॉप में मिल गया तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो पर्टिकुलरली किसी एक स्पीशी पे या किसी इंडिविजुअली एक
पेड़ पे या एक तरीके के पेड़ पे या क्रॉप पे वो क्या करता है, अटैक करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर। जैसे अगर हम बात करें तो साल हार्टवुड बोरर, ये एक इंसेक्ट है जो कि किस पे अटैक करता है, सिर्फ और सिर्फ साल ट्री पे। और 1998 में इसने बहुत ही बुरा अटैक किया था एमपी में, लगभग 5 मिलियन हेक्टर के जो साल के जो फॉरेस्ट्री की गई थी उसको उसने पूरी तहस नहस कर दिया था। मुझे एक्चुअल डेटा याद नहीं आ रहा है कि वो जो लैंड एरिया जो था वो कितना था, लेकिन 1998 में ये इस हार्टवुड बोरर ने साल की ट्रीज की जो फॉरेस्ट्री हुई थी उसको बर्बाद कर दिया था। ठीक, चलिए, तो ये होता है बायोटिक फैक्टर। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप इन बायोटिक फैक्टर्स। अगर हम रिलेशनशिप इन बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो हम इसमें तीन तरीके की रिलेशन देखते हैं। एक तो प्लांट और प्लांट टू प्लांट के बीच क्या रिलेशन है, ठीक, प्लांट और प्लांट के बीच में क्या रिलेशन है। फिर प्लांट टू एनिमल, यहाँ पर ये जो आपको छोटू सा बटरफ्लाई दिख रहा है जो कि मैंने बनाया है, उतना क्यूट नहीं है, आई ट्राइड माई बेस्ट। वैसे मैं शुरू से ही डायग्राम्स में कभी अच्छी नहीं रही हूँ, ड्रॉइंग्स में नहीं रही हूँ, इसलिए ओके जोक्स अपॉन। चले, तो ये जो यहाँ पर बटरफ्लाई है, ठीक, तो एनिमल्स और प्लांट टू एनिमल का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो देखेंगे। और मैन और प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इन तीनों रिलेशनशिप को हम इन फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। ठीक, तो क्या होता है कि वेयर वन प्लांट स्पीशीज अफेक्ट्स द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्लांट स्पीशीज। जब कोई, जैसे सपोज कि यहाँ पर कोई एक प्लांट है और ये कोई एक प्लांट है, और ये प्लांट जो है इस प्लांट की ग्रोथ में कहीं रोड़े अटका रहा है, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, या डिस्ट्रीब्यूशन में का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर कोई फ्लावर है और विंड आया और यहाँ से जो सीड है वो गिर के कहीं और जाके अपनी नई स्पीशी को जन्म दे सकता है, लेकिन ये वाला जो बाजू का पेड़ है वो होने नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं से इसको अफेक्ट कर रहा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहला है कॉम्पिटिशन। डेफिनेटली मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान और प्लांट में, मैन और प्लांट में बहुत ही सिमिलैरिटीज होती है। तो ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक, तो किस तरीके का कंपटीशन होता है, जैसे क्या हुआ कि वो लाइट के लिए कॉम्पीट करेंगे, मॉइस्चर के लिए कॉम्पीट करेंगे, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, है ना, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और एक हेल्दी लाइफ को जी सके। ठीक, तो इस तरीके से फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि दोनों प्लांट ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आपस में संबंध बनाकर एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है माइकोरिजा, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से माइकोरिजा जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक, वैसा ही राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, वो भी क्या करता है, एक तरीके से प्लांट की ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। ठीक, फिर क्या हुआ हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होगा कि जब एक स्पीशी जो है वो दूसरे पर फूड और प्रोटेक्शन के लिए क्या है, निर्भर कर रहा है। ठीक, फिर क्या करता है कि वो एक टाइम के बाद, तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि माइकोरिजा या फंजाई जो है वो एक तरीके का पैरासाइट है, क्यों, क्योंकि वो हायर प्लांट्स पे अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो इस तरीके से वो एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। ठीक, तो ये क्या हो गया, पैरासाइटिक रिलेशनशिप। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैस्केटा, यानी कि अमरबेल। अमरबेल जैसे कि आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों से, और जनरली हमें ये फॉरेस्ट में बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाता है। बहुत मतलब वो क्या करते हैं, पूरे पेड़ पर जो है पूरा मतलब अमरबेल ऐसा होता है कि उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। वो बेल की तरह जो है वो पूरे पेड़ पर जो है कब्जा जमा लेते हैं और उन पे डिपेंड हो जाते हैं अपने खाने के लिए। ठीक, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर होता है एपीफाइट्स।
अगर हम एपिफाइट्स की बात करें तो एपिफाइट्स क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है विदाउट एनी सॉइल कॉन्टैक्ट, है ना। तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी मीन्स अबव और फाइट्स मीन्स प्लांट, ठीक। तो वो किसी अदर प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है विदाउट एनी सॉइल कॉन्टैक्ट और फिर उन्हीं पर डिपेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन प्लांट्स, कॉम्पिटिशन के बेसिस में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बेसिस में, पैरासाइटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे और एपिफाइट्स के बेसिस पे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पर सर्वाइव करना जो है किसी स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब अगर हम बात करें कि कोई स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज की ग्रोथ में, ग्रोथ को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना कैसे, बाय द मीन्स ऑफ एनिमल स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हाथी ने कोई फल खा लिया, ठीक, कहाँ पर, फॉरेस्ट में उसने कोई फल खा लिया और फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू वो जो फल का जो बीज है वो उससे बाहर निकल आया और फिर वहां पर क्या हुआ, अब हाथी जब फल खा के कहीं और गया, जब जब उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी कि जब उसको अपना वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकालना था यानी कि उसे जब पॉटी करना था, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो उसी जगह पर खड़े होके करेगा, है ना। वो माइग्रेट करेगा इधर से उधर, मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगा और फिर क्या होगा, अगर उसका बीज कहीं रह गया है और फिर जब वो एक्सक्रीट आउट हुआ तो वहां पर से उस सीड से क्या हुआ, एक नया प्लांट का जो है जन्म हुआ। तो ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ एनिमल स्पीशीज। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना। फिर दूसरा क्या होता है कि हो सकता है कि वो प्लांट वो पूरे का पूरा प्लांट को ही कंज्यूम कर जाए, जिससे प्लांट की जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाए या उनकी ग्रोथ रेट जो है वो कंट्रोल हो जाए इस तरीके से, ठीक। फिर क्या होता है, ये तो सीड एंड पॉलन डिस्पर्शन, ये वाला हेल्थ इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो एलिफेंट वाला जो एग्जांपल है उसमें हो गया। फिर क्या होता है कि इंसेक्ट्स और पेस्ट, उनको भी हमने किस कैटेगरी में रखा है, एनिमल्स की कैटेगरीज में, तो वो क्या कर सकते हैं, डिसीज फैला सकते हैं, ठीक। फिर वाइल्ड एनिमल्स डिस्ट्रॉयड सीडलिंग्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो पौधे जो है उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है रिलेशनशिप देखा प्लांट्स और एनिमल्स के बीच, ठीक। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सॉरी प्लांट्स एंड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैन जो है वो तो करता धरता है, समझ लीजिए, वो उसके मन में जो है वो तो कर सकता है, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैन इज द मेजर फैक्टर फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ यूजफुल प्लांट स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, डेफिनेटली मैन जो है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उसने क्या किया, अब किसी फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कि ट्रीज जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने पूरी की पूरी जो जहां पर उसने फॉरेस्ट्री की थी पूरी खत्म कर दी उस स्पीशीज को और नई स्पीशीज लाके उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया शिफ्टिंग कल्टिवेशन। फिर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर देखिए क्या होता है, वैसे देखा जाए तो मेजरली तौर पर मैन की वजह से ही फॉरेस्ट फायर जो है वो कॉज होता है, नेचुरल केसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक। फिर इलिसिट फेलिंग एंड एनक्रोचमेंट, मतलब बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो साफ कर दिया। फिर होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग जैसे बकरियां जो होती हैं उनके थ्रू हमने क्या कर दिया कि फॉरेस्ट में उनको चराने ले गए, तो उससे भी क्या हो रहा है, स्पीशीज जो है वो एक तरीके से नुकसान ही पहुंचा रही है, ठीक। डिफॉरेस्टेशन, ओके। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। फिर बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन देयर एनवायरमेंट। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सन रेज है, पहले देखिए ये जो रूट्स हैं यहाँ पर, ठीक, तो ये रूट्स क्या करते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। डेफिनेटली रूट्स जो हैं प्लांट के, जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और सॉइल इरोशन होने से रोकते हैं, ठीक। फिर क्या होता है कि यहाँ से जो सन रेज इनको पड़ रहे हैं, ठीक, तो
अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पर कैनोपी, यहाँ पर ये जो कैनोपी है वो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से एकदम सट के खड़े हो गए हैं, क्योंकि क्योंकि फॉरेस्ट है। ठीक, अगर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं और आपको किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के मतलब आप फॉरेस्ट कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक जो पेड़ है उसको उखाड़ के फेंक देंगे जिससे प्रॉपरली ग्रोथ मिल पाए। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो कि वेस्ट साइड्स के जो कंट्रीज होते हैं वहां पर जो विंड्स बहुत तेजी से आती हैं, ठीक, तो वो अपनी फसल बचाने के लिए क्या करते हैं, विंड जो फसल की जो मेड़ होती है वहां पर एकदम घने घने पेड़ जो है वहां पर उनको लगा खड़े कर देते हैं, लगा देते हैं, तो जिससे वो क्या करते हैं, विंड की वेलोसिटी को कम कर देते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्ड विंड वेलोसिटी, इंटरसेप्ट सनरेज, यहाँ से जो सनरेज है वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। तो इससे क्या हुआ कि अब जो ये कैनोपी जो है वो एकदम अच्छे से भरे पूरे हो गए हैं, एक दूसरे से मतलब टकरा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रेनफॉल को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब जो हीट रेडिएशन का जो लॉस है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है यहाँ से, क्योंकि कैनोपी जो है उन लोगों ने जगह जो है वो घेर कर रखी हुई है। अब जो हीट रेडिएशन का लॉस नहीं हो पा रहा है, लॉस ऑफ हीट नहीं हो पा रहा है थ्रू रेडिएशन, तो इससे क्या होगा, फ्रॉस्ट भी नहीं जमेगा, है ना। हमने फ्रॉस्ट के बारे में ऑलरेडी डील कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पूरा जो साइकिल है वो काम कर रहा होता है, और यही क्या करता है, फॉरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से एनवायरनमेंट में, ये हम देखते हैं। ठीक, तो यही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी जो अभी मैंने आपको समझाई ये पूरी पूरी वही बातें हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा, बाकी नोट्स में जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, नोट्स जो है वो आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एंड तक देखें, मेहनत करें और खुद से अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करें, और इन केस कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप उस नोट्स को जो है वो रिफर कर सकते हैं। नोट्स क्या है आपके लिए, वो सिर्फ वो क्या है, वो एक जरिया है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक, तो अभी ये जो लेक्चर के मैं नोट्स आपको देने वाली हूँ उसका जो पासवर्ड है दैट इज योर 2704 90। ठीक, 2704 90। और मुझे इस बात का बड़ा दुख लगा जब आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बोल रहे थे कि मैम पासवर्ड क्या है, पीडीएफ प्रोटेक्टेड है। तो अगर आप लोग लेक्चर जो है वो एंड तक देखते तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड आई वॉज मतलब मैं पूरे टाइम देख रही थी कि किसी एक बच्चे का तो कमेंट आए, किसी एक स्टूडेंट का तो कमेंट आए कि पासवर्ड ये है, मैंने एंड तक देखा है, मैम ने इसीलिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा है। और मैंने इसीलिए ये जो बात है वो अपने वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बोली, क्योंकि अगर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोलती तो आप लोग डेफिनेटली एंड तक देखते। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि कौन से बच्चे जो हैं वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अपने ड्रीम को अचीव करने में, एंड लिटरली आई गॉट नन ऑफ यू। मुझे नहीं लगा कि आप लोग जो हैं वो ईमानदारी से जो है अपने ड्रीम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो, इट्स अप टू यू। मैं मुझसे जितना हेल्प हो पा रहा है मैं तो कर रही हूँ। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अगर मैं बात करूँ इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो सबसे पहला आता है लोकल क्लाइमेट। ठीक, लोकल क्लाइमेट किस तरीके से इफेक्ट करता है फॉरेस्ट के एनवायरमेंट को। ठीक, फिर फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फॉरेस्ट सॉइल, ये वाला जो एक एडाफिक फैक्टर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर है सॉइल इरोजन एंड फ्लड, इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। फिर है वाइल्ड लाइफ, फिर ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस एटसेट्रा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइमेट में किस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक, तो क्या करता है वो, विंड की वेलोसिटी जो होती है,
स्टिक वो सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है, विंड की वेलोसिटी को. फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट करता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द मेजर पार्ट ऑफ इट डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन द पार्ट ऑफ विंड. ठीक, वो बेसिकली क्या करता है, एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है और मेजर पार्ट जो है वो उसकी तरफ जो है वो झुक जाते हैं. जैसे मैंने आपको फ्लैग ट्री का एग्जाम्पल दिया था. विंड की वेलोसिटी बहुत, अगर बहुत ज्यादा है और वो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो ट्री की जो ग्रोथ है वो हमेशा के लिए वैसी की वैसी हो जाती है. ठीक, और स्लोइंग डाउन द पार्ट ऑफ विंड विच एंटर्ड इन टू इट. तो क्या करता है, पार्ट अगर उस पार्ट पे एंटर हुआ है तो उसको स्लो डाउन कर देता है. अगर हम एन एवरेज डेंस फॉरेस्ट रिड्यूस की बात करें तो वो 20-60% जो है वो रिड्यूस हो जाता है. डेंस विंड, अगर डेंस फॉरेस्ट पे कोई विंड आ रही है, ठीक है, बहुत ही घना फॉरेस्ट जो है अगर वहां पर विंड आ रही है तो वो 20-60% तक जो है विंड की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है. इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर डेंस फॉरेस्ट है और अगर हम किसी डेंस घने पेड़ों को अगर हम फील्ड की मेड़ पे, खेत की मेड़ों पर लगा देते हैं तो इससे जो फसल है वो बर्बाद नहीं होते, क्योंकि वो विंड की वेलोसिटी को एक हद तक जो है वो कम कर देते हैं. ठीक, इस तरीके से. चलिए, और जब हम इसी कैपेबिलिटी ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट आवर फार्म्स की बात करते हैं, बिल्डिंग फ्रॉम वेरी कोल्ड एंड वार्म विंड्स इनसाइड बाय क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक. ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक. एग्रोफॉरेस्ट्री में हम इन टर्म्स को ब्रीफली देखेंगे बट मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ. विंड ब्रेक का मतलब वही होता है कि जब हम अपने फार्म्स की मेड़ पे बहुत सारे घने घने पेड़ को लगा देते हैं ताकि विंड की जो वेलोसिटी है, यहाँ पर विंड जो आ रहे हैं उनकी जो विंड की वेलोसिटी को कम करने के लिए, ताकि हमारा जो फसल है वो बर्बाद ना हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड ब्रेक कहते हैं. शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब कोई विंड आ रही होती है और उसको रोकने के लिए जब हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लगाया हुआ है तो किस तरीके का वो शेल्टर बेल्ट है जिससे वो प्लांट जो है उसे रोक रहा है, दैट इज योर शेल्टर बेल्ट. हम इसी फॉरेस्ट्री में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ठीक, चलिए फिर बात करते हैं ह्यूमिडिटी की. तो ह्यूमिडिटी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि लीव्स पे, पत्तों पे जब वो प्रोसीजर फॉलो होता है, कौन सा, ट्रांसपिरेशन प्रोसीजर. तो अगर विंड आ रहा है और अगर विंड की वेलोसिटी बहुत तेज है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, काफी तेज होगी. इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, हाई होगा. ठीक, लेकिन अब जब इवेपोरेशन की जो प्रोसीजर, जो इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर हो रहा है उसकी रेट जो है काफी हाई है तो ह्यूमिडिटी वाला फिनोमिना जो है वो टेक प्लेस करेगा. ठीक, अब क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, अगर इवेपोरेशन की रेट जो है वो बढ़ रही है तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक, अब इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो जनरली किस टाइम पे हाई होगी, डे टाइम पे. सपोज 9 बजे जो है इवेपोरेशन की रेट जो है वो स्टार्ट हुई. ठीक है, इवेपोरेशन जो है वो होना स्टार्ट हुआ. ठीक, क्योंकि धूप क्या होगा उस टाइम पे, ज्यादा होगा. ठीक, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उस टाइम की एयर की जो है वो कब सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगी. ठीक, किस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, सेचुरेशन पॉइंट तक. अब शाम होते होते जो इवेपोरेशन की रेट है वो कम हो जाएगी क्योंकि विंड की जो वेलोसिटी है वो तो कम ही हो रही है क्योंकि हमने विंड ब्रेक किया हुआ है. अब यहाँ पर जो इवेपोरेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से हो रहा है. तो शाम होते होते जो इवेपोरेशन की रेट है वो क्या हो गई, कम हो गई. ठीक, अब जब कम हो गई तो एयर जो है वो क्या हो गया, ओवर सैचुरेटेड हो गया. अब इस वजह से क्या होगा, स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा और स्मॉल डिस्टरबेंस जो है वो इसी स्मॉल डिस्टरबेंस की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और ज्यादा ह्यूमिडिटी और ओवर सैचुरेशन की वजह से बारिश, रेनफॉल भी जो है वो भी हो सकती है. ठीक, तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. फिर अगर हम लोकल टेम्परेचर की बात करें तो लोकल टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और लोकल प्रेसिपिटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. ठीक, और फ्रॉस्ट और स्नो के बारे में तो हमने ऑलरेडी अपने टेम्परेचर वाले लेक्चर में ऑलरेडी इसके बारे में हमने डील कर लिया है. अब ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन
है ना, जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, वो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस जो है वो क्या करती है, गैसेस जो है उनको खींच लेती हैं और फिर वापस से स्कैटर कर देती हैं। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट फायर, एमिशन थ्रू फॉरेस्ट फायर एंड डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर, ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से एमिट हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर की वजह से, और जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वहां से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट हो रहे हैं। इट्स पॉजिटिव रोल प्ले फार बियॉन्ड इट्स दो सिंक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोर इन टू द सॉइल। ठीक, अब इसका पॉजिटिव रोल प्ले अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेड और डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहां से भी जो ग्रीन हाउस है वो क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो वो सॉइल में क्या करते हैं, जाके एक तरीके से जम जाते हैं। अब जब लॉन्ग टर्म के लिए कार्बन जो है सॉइल के अंदर बैठ जा रहे हैं तो बहुत सालों बाद हमें क्या मिल जाएगा, कार्बनिक फ्यूल बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ठीक, अब अगर हम देखें कि कितना सॉइल में जो है कार्बन जो है वो बैठ जाता है, तो नियरली अबाउट 6,622 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन जो है वो इंडिया में जो है स्टोर किया जाता है और न्यूट्रलाइज 12% तक जो है वो न्यूट्रलाइज किया कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ इंडिया को। ठीक, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो है हमारी जो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट बनती है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है 2009 का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज है, अगर हम आज के डेट का भी अगर देखें तो इसके लगभग इसके आसपास ही होगा। तो इतना मिलियन मैट्रिक टन जो कार्बन है वो स्टोर्ड किया जाता है इंडिया में। ठीक, तो आज के हम अपने इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं और देखते हैं हम अगले चैप्टर में जो है नर्सरी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर व्हाट, सिल्विकल्चर सिस्टम, जनरल सिल्विकल्चर जो है वो हम कल के चैप्टर में जो है वो मैं खत्म कर दूंगी और फिर हम बात करेंगे सिल्विकल्चर सिस्टम की। और मैं कोशिश करूंगी कल मैं एमसीक्यूज के जो लेक्चर है वो एक लेक्चर जो है वो मैं एमसीक्यूज से रिलेटेड डाल दूंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर होंगे और उसमें हम कम्प्लीटली एमसीक्यूज को डील करेंगे। और अगर एमसीक्यूज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया है अपने अभी तक के लेक्चर में, तो मैं उनको भी जो है ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करते चलूंगी। ठीक, तो ओके डियर व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, प्लीज 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 प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।